अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, हम आज ना डिफरेंट कन्वर्टर्स देखेंगे यूजिंग के मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन दोनों देखते हैं। ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर देखते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक क्या चीज होती है, इसका टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, के मैप की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रे कोड नहीं पता, एक रो कोड क्या होते हैं और उसके इक्विवेलेंट क्या बाइनरी होती है, तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है ग्रे कोड के ऊपर। ठीक है, वो जाके पढ़े, आपको वहां से इक्विवेलेंट आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे टेबल में मैंने क्या किया हुआ है कि ग्रे कोड के अगेंस्ट उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हर एक की बाइनरी समझाना शुरू हो जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो अगर किसी को ग्रे कोड नहीं आते तो वो पहले वो समझ ले प्लीज। अब देखें, ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्ट करना है, तुम्हारी इनपुट क्या होगी ग्रे कोड और आउटपुट क्या होगी बाइनरी आउटपुट्स। ठीक है, ग्रे इनपुट होगी जिसको हमने G0123 कह दिया, अब बाइनरी आउटपुट B01234 क्या हो जाएंगे, ये इसके आउटपुट्स हो जाएंगे। तो टेबल में है, ठीक है, ग्रे इनपुट्स के अगेंस्ट हमने बाइनरी आउटपुट्स लिख दी। ठीक है, अब देखें, जैसे ग्रे जीरो, ग्रे में 000 हो तो उसका आउटपुट भी 000 ही होती है। अब यहां पे 1 आए तो इसका आउटपुट भी 1 होती है। ठीक है, अब 0010, जैसे 10 जो है ना, ये ग्रे वाला, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी 11 होता है, यानी कि 2 वाला 3 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह 0011 जो है, ये 3 जो है 2 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसी तरह 0100 क्या होता है, 0110, यानी कि इसका 4 जो है इसके 6 के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह इसका 5 जो है इसके 7 के इक्विवेलेंट होता है, इसका जो 6 है इसके 5 के इक्विवेलेंट होता है, इसका 7 जो है इसके 4 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 7 मतलब 011, ये 7 होता है ना नॉर्मल बाइनरी, इसका क्या होता है 0100। ठीक है, ये हमने पूरा टेबल लिख लिया। पूरा टेबल लिखने के बाद B0 को पहले डिस्कस करते हैं। देखें, B01 तब होता है जब, देखें, तीनों चारों में से कोई एक इनपुट 1 हो गई तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। जब G01 हो गया या G11 हो गया तब भी B0 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखें, ये है ना, अब देखें G0 और G2 जब 1 है तब भी B01। इसके अलावा देखें G1 और G2 जब 1 है तब भी B1 है। इसके अलावा यहां पे देखें G0 और G3 जब 1 है तब भी 1 है। अब G1 और G3 जब 1 है तब भी 1 है। ठीक है, और ये देखें ना, यहां पे आ गया G0, G2 और G3 जब 1 है तब भी 1 है। यहां पे क्या आ गया, G123 जब 1 है तब भी ये 1। ठीक है, ये सारी चीजें हमने के मैप के अंदर पुट करनी है। ठीक है, एक के ऊपर G0 G1 कर दिया, G2 G3 कर दिया। ठीक है, अब देखें जब G11 है तो इसकी 1 है ना, इसी तरह देखें यहां पे G01 है तब भी 1 है, G11 है तब भी 1। देखें यहां पे ये दोनों 0 है, यहां पे G01 है तो इसके आउटपुट 1 हो जाएगी, जब G11 है तब इसके आउटपुट क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह G3 पहले लिखा हुआ फिर G2 लिखा हुआ, G2 जब 1 है तब भी इसके आउटपुट 1 है। इसी तरह G21 है, G012 जब तीनों 1 है तब भी आउटपुट 1 है। ठीक है, ये सारे हमने क्या कर लिया, इसको टेबल के अंदर डाल दिया। ये आप यहां से ना पीछे से हर एक को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, टेबल के अंदर डाल दिया। इसको हमने क्या किया, सारों को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये सारा एक्चुअली एक्सक्लूसिव ऑर गेट ही बनता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट के केस में क्या होता है, जब हमारे पास देखें G01, इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो हमें इन चारों का एक्सक्लूसिव मिल रहा है। एक्चुअली B1 की बात करें, B1 जो है देखिए ये एक्सक्लूसिव है, G0 G1 G2 G3 चारों का एक्सक्लूसिव है। इसी तरह B1 का 1x1 सारा देखें। ठीक है, देखें यहां पे B1 1 तब है जब G11 है,
बाकी सारे जीरो हैं, बी वन वन तब है जब ये दोनों वन है, ठीक है, इस तरह ये वन तब है जब जी टू सिर्फ अकेला वन है। इन सारों को हमने के मैप के अंदर पुट किया, ठीक है, और इसको यहां सिंपलीफाई किया। देखे वो पिछले केस में कुछ भी नहीं बन रहा था ना, कोई दो का पेयर नहीं बन रहा था। अच्छा इस तरह हम पेयर नहीं बना सकते, ठीक है, या आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। डायगोनल में पेयर्स नहीं बन सकते के मैप में, क्योंकि यहां पे पेयर नहीं बन रहे थे, उनको हम सीधा सीधा लिख दिए। इस केस में देखें ये वन है और ये वन है, दोनों का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का जब पेयर बन रहा है तो जी टू बार जी थ्री बार और यहां पे क्या आ जाएगा जी वन, यहां पे लिख दिए। इस तरह यहां पे देखें जी टू जी थ्री बार और यहां पे दोनों का क्या कॉमन है जी जी वन बार, ठीक है, जी वन बार जी टू और जी थ्री बार लिख दिए। इसी तरह ये वाली देखें जी टू और जी थ्री कॉमन है और यहां पे जी वन कॉमन, जी वन टू थ्री कॉमन है और यहां पे क्या है जी थ्री और जी टू बार और इन दोनों में से जी वन बार कॉमन, ठीक है। अब देखें इन तीन के केस में ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स जब वन होती है तो आउटपुट जो वन होती है वो क्या होता है एक्सक्लूसिव और गेट होता है। तो ये एक्सक्लूसिव और है जी वन, देखें इसमें जी नॉट कहीं भी नहीं आ रहा, जी वन जी टू और जी थ्री का। इसी तरह बी टू को चेक करें तो बी टू एक्सक्लूसिव बनता है जी टू और जी थ्री का, ठीक है। इस केस में देखें यहां पे पूरी की पूरी लाइन का एक बन जाता है। बी टू चेक करें, ये पीछे जो हमारा टेबल था ना बी टू ये वाला ना, इसके साथ बात करें यहां पे जी जी टू और जी टू बार और जी थ्री आ गया और इसी तरह जी थ्री और जी टू बार आ गया, ठीक है। एक के ऊपर कंप्लीमेंट हो, दूसरा एज इट इज हो, फिर दूसरे के ऊपर कंप्लीमेंट हो, पहला एज इट इज हो, तो वो दोनों का एक्सक्लूसिव होता है। तो ये B1 बार के बन गए G2 और G3 का एक्सक्लूसिव। B3 की बात देखें, B3 एक्चुअली G3 के इक्वल है, ठीक है, B3 के डिफरेंट इक्वेशन बन रही है, ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और आठों का एक ही लूप बनाए तो वो G3 के इक्वल बनता है, ठीक है। B3 हमने कहां से लिखा, यहां से, ठीक है। अब देखें B3 और G3 दोनों यहां पे प्रैक्टिकली भी चेक करें, B3 वन तब होता है जब G3 वन होता है, यहां पे सारों केस में B3 जीरो है, G3 भी जीरो है, लेकिन ये चीज हमें के मैप बताता है सिंपलीफाई करके, ठीक है। B3 इज इक्वल टू G3 बना लिया, अब हम इसकी क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखें B0 जो है G0 1 2 3 का एक्सक्लूसिव है, B1 जो है 1 2 3 का एक्सक्लूसिव है, B2 जो है 2 3 का एक्सक्लूसिव है और B3 क्या है G3 के इक्वल, ये काम कर लिया। B3 G3 के इक्वल है, B2 G2 और G3 का एक्सक्लूसिव है, B1 जो है G1 2 3 का एक्सक्लूसिव है, B0 जो है G0 1 2 3 का एक्सक्लूसिव। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका देखें, जीरो जो है वो जीरो से लेकर आगे तक सारों का एक्सक्लूसिव है, वन जो है वो वन से लेकर आगे तक सारों का एक्सक्लूसिव है, टू जो है टू से लेकर आगे तक सारों का एक्सक्लूसिव है, यानी कि टू और थ्री सारों का एक्सक्लूसिव है, थ्री जो है वो थ्री के इक्वल है, बी थ्री जी थ्री के इक्वल, सही है। इस तरह हम ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए प्लीज। बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी से ग्रे कोड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो चेक करते हैं। देखिए इस केस में हमारी इनपुट क्या होगी बाइनरी और आउटपुट क्या होगी ग्रे कोड, ठीक है। हमने बाइनरी इनपुट ले ली और आउटपुट क्या कर ली ग्रे कोड ले ली, ठीक है। देखें अगर आपको बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना आता हो तो आप ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आपको दोनों में से कोई एक चीज मैथमेटिकली आती है तो आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस केस में हमारी बाइनरी आउटपुट से और बाइनरी इनपुट से और आउटपुट क्या है ग्रे कोड, ठीक है। अब देखें बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर बाइनरी जीरो 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 तो ग्रे क्या होता है जीरो 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 ही होता है,
अगर बाइनरी वन हो तो ग्रे भी वन होता है, अगर बाइनरी वन जीरो हो तो ग्रे क्या होता है, वन वन होता है, क्योंकि ग्रे के केस में वन का एक का चेंज आता है। देखे ना, ये पहले वन था ना, अब ग्रे कोड में देखें जीरो वन है, और अगले केस में ये वाला वन एज इट इज रहेगा, यहां पे एक वन डाल दें। तीसरे केस में देखें यहां पे सिर्फ इस वन को जीरो कर देंगे और एक चेंज। ग्रे कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक चेंज लेके आते हैं, ठीक है। ये सारी आपको गिनती पता है, जीरो से लेकर पंद्रह तक लिखी हुई है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखें पहले जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो जीरो वन आ गया। अब देखें फिर अगले केस में इस सारे के अंदर एक चेंज लेके आनी है, तो इस जीरो को क्या कर दिया, वन कर दिया, एक चेंज आ गई। अब फिर इसके अंदर एक चेंज लेके आनी है, इस वन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया अगले केस। अब इस वन को जीरो कर चुके हैं, अब आगे देखें इससे आगे एक और चेंज लेके आनी है, तो फिर क्या कर दिया, इस जीरो को वन कर दिया, ठीक है। जब इस जीरो को वन कर दिया तो ये वाला आ गया, इसके साथ हम आगे फिर एक और चेंज लेके आनी है। अब देखें ये वन वन आ गया, अब इस जीरो को फिर वन कर दें, क्योंकि देखिए पिछले कॉम्बिनेशन में ये जो आपने किया था वो यहां पे ये जीरो था ना, यहां जीरो वन जीरो था, अब जीरो वन वन है, अब इसको वन कर, ठीक है। ये जीरो ट्रिपल वन आ गया, अब आपने क्या करना, इसको जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें, तो जीरो जीरो वन जीरो वन आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से जीरो कर दें, इसको जीरो करेंगे तो जीरो वन जीरो जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां इन तीनों के साथ हम सारी गेमें कर चुके हैं, और चौथे को वन कर, चौथे को वन किया तो ये क्या आ गया, वन वन जीरो जीरो आ गया। जब वन वन जीरो जीरो आ गया तो फिर इन दोनों के अंदर एक चेंज लेके आनी है, यहां पे इसको वन कर दिया पहले, फिर उसके बाद क्या किया, इसको वन कर दिया, बाकी सारे जीरो जीरो रह गए, फिर उसके बाद क्या किया, इसको भी वन कर दिया, इसको भी वन कर दिया, तो ये वन 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 आ गया, ठीक है। जब वन 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 आ गया फिर इसके बाद इसको जीरो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन 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 जीरो, फिर इसके बाद इसको जीरो कर दिया, अब इसको जीरो कर, देखे चेंज जो है ना इस तरह से शुरू करना है, यहां से चेंज शुरू करना है और यहां तक पहुंचते जाना है, ठीक है। सबसे लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करना, फिर इसमें देखें जीरो वन जीरो वन आ गया, ठीक है, इस तरह जीरो वन 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 आ गया, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद देखें इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप चेंज पहले कर चुके हैं, इस वन को जीरो कर दें, फिर क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो आ जाएगा, इस तरह वन जीरो ट्रिपल जीरो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह ग्रे कोड इस तरह बनाए जाते हैं कि एक का चेंज लाया जाता है, ठीक है। अब देखें यहां पे दो है तो इसका इक्विवेलेंट वन वन है, इस तरह तीन है तो इसका इक्विवेलेंट वन जीरो है, ये चार है तो इसका इक्विवेलेंट वन वन है जीरो है, पांच है तो इसका इक्विवेलेंट ट्रिपल वन है, छह है तो इसका इक्विवेलेंट जीरो वन जीरो वन है, सात है तो उसका इक्विवेलेंट क्या गया, जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है। यानी कि चार सात वाला बाइनरी जो एक्चुअली चार होता था, इसी तरह सारे अपने निकाल लिए। उसके बाद देखिए बी जी जीरो के लिए, जी जीरो के लिए टेबल निकाला, जी जीरो वन तब होता है जब बी जीरो वन होता है, जब या बी वन वन हो, या देखिए बी जीरो बी वन, या फिर यहां पे देखें बी जीरो और बी वन दोनों वन वन हो, सॉरी बी जीरो और बी टू दोनों वन वन हो, बी वन और बी टू दोनों वन वन हो, और बी वन और बी थ्री दोनों वन वन हो, बी वन और बी थ्री दोनों वन वन हो ना, और इसके बाद क्या किया, बी वन बी टू सॉरी ये वन है ना, ये आ गया बी जीरो बी टू और बी थ्री वन हो, और ये क्या कर दिया, बी जीरो सिर्फ जीरो और बाकी तीनों वन वन, इसको टेबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया तो हमें पहले देखा सारे जीरो जीरो एक वन होगा, फिर ये पहले बी टू बी थ्री जीरो होगा जब बी वन वन होगा, ठीक है। इसी तरह सारों की वैल्यू हमने क्या कर दी, इस टेबल के अंदर डाल दी। अब ये सारे आप वन बाय वन हर एक को चेक भी कर सकते हैं, जी जीरो के केस में ये बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, बी टू बी थ्री लिखा हुआ, बी जीरो बी वन लिखा हुआ, ठीक है। छोटे वाला पहले लिखते हैं राइट साइड पे लिखते हैं, बड़े वाला लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ये बी टू। अब पहले दोनों को बी बार बी जीरो बी वन दोनों के ऊपर बार लगा दिया, फिर बी वन के ऊपर बार लगा दिया, फिर एंड पे क्या कर दिया, बी नॉट के ऊपर बार लगा दिया, तो ये जीरो 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 वन 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 और वन जीरो बन गए।
ठीक है, हर एक के साथ उसके इक्विवेलेंट वैल्यू उठा के डाल दी। और देखें यहाँ पे चार का एक सेट बन रहा है ये वाला, इस तरह ये भी चार का सेट बन रहा है। तो ये वाला सेट B1 B0 के बराबर है और ये क्या है B1 B0 के बराबर है। तो B1 बार B0 प्लस B1 और B0 ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर है B1 और B0 का, ठीक है। G0 जो है वो एक्सक्लूसिव आर है B0 और B1 का। इसी तरह G1 को देखें, सॉरी ये G1 है ना, G1 के अगेंस्ट हर एक बाइनरी के इक्विवेलेंट सारी वैल्यू उठा के हमने टेबल में डाल दी, ठीक है, टेबल में डाल। अच्छा ये ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, ये इनका मुंह ऊपर खुलेगा, ये नीचे इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसका एक ये पेयर बन जाता है। अब वन बाय वन सारों को एक क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये B1 और B2 का कॉम्बिनेशन बनता है, B2 बार B1 और B2 B1 बार, ठीक है। तो ये G1 जो होता है B1 और B2 का एक्सक्लूसिव होता है। देखें G2 जो था, देखें ना G0 है, 0 और 1 का एक्सक्लूसिव है, G1 जो है वो 1 और 2 का एक्सक्लूसिव। इसी तरह G2 जो है वो 2 और 3 का एक्सक्लूसिव बनेगा, या आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह G4 जो है, सॉरी G3 जो है वो V3 के इक्वल बनेगा, क्योंकि देखें इसमें ना यहाँ पे एक पूरा लूप बन जाता है, पेयर बन जाता है, ये वाला पेयर बन जाता है, ये B1 बार और B2 बार B3 और B3 B2 बार बन जाता है, यहाँ पे चारों का एक ही पेयर बन जाता है। तो G3 इज इक्वल टू B3 बनता है। आप वहां पे जाके पीछे टेबल में देखें, G3 1 तब है, यहां से ना G3 1 तब है जब B3 1 है, देखें सारा B3 तब जब 1 तब G3 सारा 1 1, ये इसके लाइन में देखें जब G3 सारा 0 0 है तो B3 भी सारा 0 0 है। ये हमें के मैप से आसानी हो जाती है सारी ना, इसकी डायग्राम बना ली, ठीक है। अब आसानी के लिए याद रखने के लिए देखें, G0 जो है B0 और B1 का एक्सक्लूसिव है, G1 जो है B1 और B2 का एक्सक्लूसिव है, G2 जो है B2 और B3 का एक्सक्लूसिव है, और G3 देखें B3 से आगे कुछ है नहीं, तो G3 किसके इक्वल है, B3 के, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।